हाँ तो एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साउंड बार की अनबॉक्सिंग लाए हैं, जो कि एक मिनी साउंड बार जो कि एमकेट जैसे कंपनी की तरफ से आती है। एमकेट एक इंडियन कंपनी है। इधर साइड देखिए क्या लिखा हुआ है, बूमर कॉम्पैक्ट साउंड बार पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर। बैक साइड में देखिए कुछ और स्पेसिफिकेशन लिखे हुए, 10 वॉट का आउटपुट, उसके साथ इसमें ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, एफएम रेडियो, और इसमें लिखा हुआ है ब्लूटूथ स्पीकर विद इंटीग्रेटेड सब वूफर। मतलब ये एक साउंड बार भी है और ब्लूटूथ स्पीकर भी है, ऐसा कंपनी क्लेम करती। TWS फंक्शन भी दिया गया, मतलब आप एक साथ दो स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। इधर साइड लिखा है 1 साल की वारंटी तो आपको इसमें मिल ही जाती है। मतलब कंपनी के बारे में, और ये इम्पोर्टर है इसके जो कि नई दिल्ली में बेस्ड है, और यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 2300 रुपए, लेकिन ये आपको 1000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। मैंने तो 900 का ही खरीदा, लेकिन आजकल इसका रेट काफी फ्लक्चुएट हो रहा है। और इधर साइड कुछ और स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम, मतलब 12 घंटे का प्लेबैक टाइम। रियलिटी में मैं बताता, अगर आप इसमें सिर्फ पिक्चरें देखेंगे तो ये बहुत ही आराम से 2.5 से 3 पिक्चर निकल जाएगी, मतलब 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप आपको ये दे देगा। और वहीं पे अगर आप गाने सुनेंगे और वो भी फुल वॉल्यूम, तो हाँ ये आपको लगभग 4 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप दे देगा। वैसे गाने पे भी डिपेंड करता है, जो गाने बेस डिमांडिंग होते हैं उसमें थोड़ी सी बैटरी ज्यादा लगती है, तो आप कह सकते हैं 3.5 से 4 घंटे गाने सुनने में और 6 से 7 घंटे नॉर्मल पिक्चर देखने। अब चलिए इसे जल्दी से खोल के देख लेते हैं। अरे वाह, पैकिंग तो मेरे को काफी धमाकेदार लग रही है। वैसे स्पीकर मेरे पे बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, लगभग 6 महीने से। यहाँ पे चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क रखे हुए हैं, चलिए निकाल के देख लेते हैं। एक तो यूजर मैनुअल है और एक मार्केटिंग वाला कुछ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है थैंक यू फॉर परचेज, मतलब थैंक यू कार्ड है, और इसके साथ अगर आप फोटो अपनी डालेंगे तो आप इनके इंस्टाग्राम पे फीचर भी हो सकते हैं। ये इसकी यूजर मैनुअल है, तो आप चाहें तो पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर के बारे में सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। बैक साइड में देख लेते हैं, सब बताया कि रेडियो वेडियो कैसे चलाना है, और अगर स्पीकर में कुछ गड़बड़ आ जाए तो ट्रबल शूटिंग में आप जाके देख सकते हैं। इसमें वारंटी के रिलेटेड कि आपको किस तरह से इसकी वारंटी क्लेम करनी है, और इसको जो चार्जिंग इनपुट है वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर से आपको इसे चार्ज करना है, मतलब नॉर्मल चार्जिंग, और इसको चार्ज होने में लगभग लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं अगर आपने पूरी बैटरी खत्म कर दी तो। निकाल लेते हैं बाहर, यूएसबी और ऑक्स केबल मिल जाती है। इसका साइज भी देखिए काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज तो काफी अच्छी लग रही है, और ऊपर से इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। इसके लिए गुड जॉब एमकेट। यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल मिल जाती है, वैसे तो आजकल टाइप सी का जमाना है लेकिन फिर भी, और एक ऑक्स टू ऑक्स केबल मिल जाती है। तो गोल्ड प्लेटेड तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, क्वालिटी वाइज अच्छी। चलिए अब स्पीकर को बाहर निकाल लेते हैं। अरे वाह, देखने में तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, और यहाँ बड़ा बड़ा एमकेट की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसकी डिजाइनिंग मतलब और स्पीकरों से काफी अलग है, इसमें सामने की तरफ इस तरह से ब्रांडिंग और कुछ बटने लगी हुई दिख जाती है, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और इसमें जो कुछ स्क्रैच वगैरह दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे बता दिया, इसको मेरे को इस्तेमाल करते हुए 6 महीने हो गए हैं। सारी बटने आगे की तरफ ही लगी हुई है, प्ले पॉज और मोड चेंज कर, और इसमें एक मेटल की ग्रिल लगी हुई दिख जाती है जो कि इसे अच्छी खासी लुक देती है। इस साइड में देखिए मैट मैट फिनिशिंग वाला, छूने में भी काफी अच्छा फील होता, लगता है कि हाँ अच्छी खासी क्वालिटी का प्रोडक्ट। इसका सीरियल नंबर मेंशन किया गया है जिससे आपको उसके वारंटी क्लेम करने में कोई भी इशू नहीं आएगी, और मॉडल नंबर और ब्रांडिंग वगैरह इधर भी दिया गया है। आईओ पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऑक्स कनेक्ट कर सकते हैं, और इधर से नॉर्मल माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो वेट है वो है 682 ग्राम। ऑन करने के लिए बस आपको इसे नीचे कर देना है। बहुत बढ़िया बात है, कुछ भी नहीं बोला, बस बोला ब्लूटूथ। Yeah.
की सुविधा के लिए विभिन्न बिंदुओं पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। कर्तव्य पथ के उत्तर दवाइयों के खर्च पर 90% तक सेविंग्स कहाँ? दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी नियर चाचा चौक। कॉल 9625360443। बिग एफएम पर चल रहे हैं बिग फेवरेट्स फॉरएवर। बिग फेवरेट्स फॉरएवर। इसका एफएम बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और बहुत ही अच्छा चलता है। नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर जो इस प्राइस रेंज में आते हैं उसके मुकाबले तो बहुत ही अच्छा है इसका। पहले साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। और ये मेटल ग्रिल तो हमने पहले ही बाहर निकाल ली। ये दो बेस रेडिएटर और दो स्पीकर का सेटअप हमें देखने मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पेच लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी इन सबको खोल लेते हैं। चलिए सामने वाला पैनल बाहर निकाल लेते हैं जिसमें ब्रांडिंग करी गई। तो ये आ गया बाहर। इसके साइड में भी एक पैनल लगा हुआ है ये वाला, इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये किसी पतली चीज से निकालिएगा, मेरे पे स्केल था फिलहाल तो उसी से निकाल लिया। वाला पैनल भी बाहर आ गया, थोड़ा सा पैनल टूट भी गया। ये तो ये देखिए, ये इस तरह से खुल चुका है। तो इसमें आपको देखिए मेन मदरबोर्ड लगा हुआ दिख जाता है और दो स्पीकर लगे हुए दिख जाते हैं। साथ में पीछे बैक वाले पैनल में इसकी बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे इसके बहुत सारे कनेक्टर लगे हुए हैं। चलिए अब इन कनेक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे पेच लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी इनको भी खोल लेते हैं ताकि हमारी ये मदरबोर्ड बाहर आ सके। तो ये देखिए पूरी मदरबोर्ड बाहर आ चुकी है। एक छोटा पतला सा कॉपर का वायर लगा हुआ है जो एफएम एंटीना के लिए लगा है। आप खुद ही देख सकते हैं बोर्ड की क्वालिटी तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसमें सभी कॉम्पोनेंट का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे देखिए इसकी मेन आईसी लगी हुई है जो पूरे बोर्ड को कंट्रोल करती है और साथ में इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल भी इसी के अंदर है। और साथ में यहाँ पे देखिए दो एम्पलीफायर आईसी लगी हुई है, मतलब एक स्पीकर के लिए एक आईसी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये जो आईसी है इसका नंबर है HAA 2018। साथ में ये देखिए इसमें इंडक्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। आईओ स्पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ऑक्स का मिल जाता है। और साथ में ये देखिए इसमें एफएम का एंटीना भी लगाया गया है जो कि ऑक्स से डायरेक्ट लगाया गया। अगर आप ऑक्स की केबल नहीं भी लगाते तब भी इसका काफी हद तक अच्छा चलेगा। ऑक्स केबल लगा के एफएम चलाएंगे तो मजा ही आ जाएगा आपको। बाकी इस साइड आपकी बटने मिल जाती हैं। कैपेसिटर भी कितना बड़ा इसमें इस्तेमाल किया गया, 470 UF 10 वोल्ट का कैपेसिटर का इसमें इस्तेमाल किया है। मतलब कॉम्पोनेंट वाइज तो ये बोर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब चलिए मैं आपको इसकी डाटा शीट दिखा देता हूँ। कैमरे को ट्राइपॉड से बाहर निकाल लेते हैं और ये देखिए जो की है HAA 2018, तो आप खुद ही देख सकते हैं। और ये देखिए 2 ओम के लोड पे 5.3 वॉटेज तक की पावर दे सकती है, टोटल हो गया ये 10 वॉट तक की पावर दे सकती है। स्पीकर देखिए इसमें दो इस्तेमाल किए जो 3 ओम 5 वॉट के लगे हुए हैं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये इसकी बैटरी भी बाहर आ चुकी है। यहाँ लिखा हुआ है 1800 mAh 3.7 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरी की पूरी 1800 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए गुड जॉब एमकेट। तो देख सकते हैं इसमें बैटरी का नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो रिप्लेस भी करवा सकते हैं इजिली। और वैसे भी इसमें आपको 1 साल की वारंटी तो मिल ही जाती है। तो एट द एंड हम इसी कॉन्क्लूजन पे आए हैं। आप पूछेंगे कि यश भाई इसे हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल आपको इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। वैसे भी अगर ये आपको 1000 रुपए के अंदर मिल जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छी डील कहलाएगी। और क्वालिटी वाइज तो आपने खुद ही देख लिया, इसमें मैं क्या बताऊं। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।